गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू अन अकेडमी। प्लीज़ कन्फर्म माई वॉइस इफ समबडी इज़ लाइव। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम टू अन अकेडमी। राइट, सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू अन अकेडमी, वेलकम टू द मिसलेनियस टॉपिक सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स। राइट, सो हम इस सीरीज के थ्रू अपने वो टॉपिक्स कवर कर रहे हैं गेट इलेक्ट्रिकल के लिए जो हमारे फुल कोर्स और क्रैश कोर्स में अवेलेबल नहीं है, जैसे हमारा CRO, डिजिटल मीटर्स और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स। राइट, सो इस सीरीज से हमारा पर्पज है कि हम उन छोटे छोटे टॉपिक्स को भी वेटेज दें जिनका वेटेज या उनका जो पैटर्न है वो बहुत ही कम है, एग्जाम्स में देखा जाता है, लेकिन फिर भी हम उनको कवर करें ताकि हमारी प्रिपरेशन गेट 2021 से पहले कंप्लीट हो जाए। राइट, तो यही उस सीरीज का पर्पज है और इसमें हम तीन टॉपिक्स कवर कर रहे हैं जिसमें हमारा डिस्कशन फर्स्ट टॉपिक पे चल रहा है विच इज कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, दैट इज CRO। राइट, सो बिफोर मूविंग ऑन, माय नेम इज रमन कपूर, आई एम बीटेक इलेक्ट्रिकल फ्रॉम NIT दुर्गापुर एंड एमटेक फ्रॉम IIT रुड़की। मेरा कूपन कोड RK227 है, आप इसको अप्लाई करिए एंड यू विल गेट 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। राइट, अभी जो मेरे रनिंग कोर्सेज है वो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स का क्रैश कोर्स जो मैं यूट्यूब पे ले रहा हूँ सुबह 8 to 9, जो हमारा कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीशन की स्टेज पे आ गया है, अराउंड 8 या 9 क्लासेस और बची हैं उसकी और वो हम कंप्लीट कर देंगे। आज हमारा 21st लेक्चर था 8 to 9 सुबह YouTube पे क्रैश कोर्स। राइट, तो आप में से अगर कुछ स्टूडेंट्स आज फर्स्ट टाइम मेरे को देख रहे हैं तो हमने क्रैश कोर्स कवर किया है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स का और अभी भी हम उसको कवर कर रहे हैं, तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आप पूरे कोर्स को देख सकते हैं, वो गेट 2021 के लिए इनफ है और मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स मैंने उसमें कवर करे हुए हैं। राइट, और उसमें जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो हम यहाँ कवर कर रहे हैं, दैट इज मिसलेनियस टॉपिक सीरीज, जिसमें हम तीन टॉपिक्स यहाँ कवर कर रहे हैं। और इसके पैरेलली मेरा स्पेशल क्लास चल रहा है मेजरमेंट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। राइट, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस हम उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम्स और इलेक्ट्रिकल मशीन्स पे लेता हूँ, लेकिन अभी मैं मेजरमेंट्स ले रहा हूँ क्रैश कोर्स और मिसलेनियस टॉपिक्स की फॉर्म में। राइट, और आगे जाके अगर आप अनअकैडमी प्लस या अनअकैडमी आइकॉनिक पे आना चाहते हैं तो उसकी ये एडवांटेजेस हैं। अनअकैडमी प्लस में यू विल हैव लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्सेस, वीकली टेस्ट्स, प्रॉपर डाउट सॉल्विंग हो जाएगा जो हमारे YouTube पे नहीं हो पाता है, नो बैरियर ऑफ लैंग्वेज, ये वाली जो सीरीज है वो भी हमें हिंदी में ही लेनी है और हम हिंदी में ही ले रहे हैं और मैक्सिमम इंग्लिश और हिंदी को कंबाइन करके लेते हैं। रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस भी आपको अनअकैडमी प्लस में मिलेंगे और ये सारी एडवांटेजेस आपको अनअकैडमी आइकॉनिक पे भी मिल जाएंगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, प्रॉपर स्टडी प्लान मिलेगा, प्रॉपर बूस्टर सेशंस मिलेंगे और प्रॉपर स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। राइट, सो दोज आर द एडवांटेजेस ऑफ अनअकैडमी आइकॉनिक। ये चार्जेस हैं आपके अनअकैडमी प्लस के और ये मेरा कूपन कोड है RK227, आप इसको अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी प्लस एंड सिमिलरली फॉर अनअकैडमी आइकॉनिक। राइट, अच्छा तो अनाउंसमेंट कर देते हैं थोड़ी सी। यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, RK_educator मेरा यूजर नेम आईडी है और मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कल की स्पेशल क्लास की। कल हमारी स्पेशल क्लास है 2:30 PM, दैट इज सैटरडे, जो है हमारा 5th December। इसमें हम क्या कवर करते हैं, अगर आप में से कुछ लोग आज फर्स्ट टाइम आए हैं तो हम स्पेशल क्लासेस में भी अराउंड मैं 11 से 12 क्लासेस ले चुका हूं और वो सारी प्लेलिस्ट आपको अनअकैडमी पे मेरे RK_educator यूजर नेम में मिल जाएगी। राइट, यहां पर हम कवर कर रहे हैं मेजरमेंट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें मैं क्वेश्चंस करवाता हूं आपको गेट इलेक्ट्रिकल के, गेट इंस्ट्रूमेंटेशन के, इंजीनियरिंग सर्विसेज इलेक्ट्रिकल का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। राइट, तो ये बहुत लंबी सीरीज है, इसको हम कवर कर रहे हैं पैरेलली,
राइट। तो ये हमारा कल का स्पेशल क्लास का अनाउंसमेंट है, दैट इज 5th दिसंबर सैटरडे 2:30 PM। तो अगर आपको क्वेश्चंस करना है और आपकी थ्योरी के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, आपने अगर फुल कोर्स भी पूरा देख लिया है जो ऑलरेडी आपके क्रिएट्रिक्स के यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, और अगर आप मेरे क्रैश कोर्स के स्टूडेंट हैं उसमें भी मैक्सिमम हमने मेजरमेंट ऑफ पावर आज वाइंड अप किया, तो आगे भी हम उसमें कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स उसमें भी बचे हैं तो वो भी कवर करेंगे। तो अगर आप सिर्फ क्वेश्चंस को फोकस कर रहे हैं तो आप कल स्पेशल क्लास में आइए, कल हम मेजरमेंट ऑफ पावर के क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें, तो आपको काफी बेनिफिट हो जाएगा। राइट, RK_educator इज माई यूजर नेम। राइट, तो ये कल की स्पेशल क्लास का अनाउंसमेंट है। हेलो सुमन सर, व्हेन वी विल गेट क्लास नोट्स? मैं आज आपको PDF फॉर्मेट में क्लास नोट्स अभी क्लास के बाद प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना, जो अभी तक हमने पढ़ाया है, और आज जितना पढ़ा देंगे उसके बाद आपको क्लास नोट्स मैं क्रिएट्रिक्स के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मैं सोच रहा था टॉपिक वाइज करूंगा, लेकिन आपको अभी चाहिए तो आई विल अपलोड टुडे, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसमें जो भी हम पढ़ाते हैं क्लास में, जो आपकी लाइव क्लासेस लेते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम आपका PDF फॉर्मेट में उस प्रेजेंटेशन को अपलोड कर देते हैं। दिस इज द चैनल जहां पर हम अपलोड करते हैं, क्रिएट्रिक्स टेलीग्राम चैनल। आप इसमें जाएंगे तो आपको मेरे क्रैश कोर्सेज की भी PDF फाइल्स आप एक्सेस कर सकते हैं, और आप चाहें तो मेरा क्रैश कोर्स भी पूरा देख सकते हैं यूट्यूब पे, जो अभी रनिंग कंडीशन में है और मैक्सिमम कंप्लीट हो चुका है। राइट, चलो यार डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। बाकी आज अभी तक जो आज लास्ट क्लास तक जो हम पढ़ाएंगे आज तक, वो हम आपको अपलोड कर देंगे PDF फॉर्मेट में क्रिएट्रिक्स के टेलीग्राम चैनल पे। चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा डिस्कशन चल रहा था CRO पे, और हम CRO की स्क्रीन से क्या क्या चीज मेजर कर सकते हैं और क्या क्या एडवांटेजेस हमें होते हैं, हम उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, और आज हमारी थर्ड क्लास है इसके बारे में। राइट, तो अगर हम कंटिन्यू करें तो हमने क्या किया था, मैं कल आपको पढ़ा रहा था YX मोड। राइट, मैंने आपको बताया था कि CRO आपका दो मोड्स पे काम करता है, एक होता है YT मोड और एक होता है YX मोड। हम YX मोड पे डिस्कशन कर रहे थे, जिसके थ्रू हम दो अप्लाइड सिग्नल्स का फेज डिफरेंस और फ्रीक्वेंसी रेशियो देख सकते हैं। तो अभी हमारा डिस्कशन चल रहा है फाइंडिंग फेज डिफरेंस पे। इसका मतलब कि CRO को, CRO के दोनों चैनल्स जब आप ऑक्यूपाई करोगे, मतलब आप जो दो इनपुट्स उस पर लगाओगे, Y इनपुट और X इनपुट, तो आपको CRO की स्क्रीन के ऊपर एक पैटर्न दिख जाएगा। उस पैटर्न को देख के आप उस दोनों वेवफॉर्म्स के बीच का फेज डिफरेंस देख सकते हो, ठीक है ना, आपको पैटर्न से तुरंत पता चल जाएगा। तो हमारा डिस्कशन क्या था कि अगर हमारा एक्स इनपुट VM साइन ओमेगा टी है, जिसको हमने रेफरेंस लिया, और VY हमारा VM साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, तो हमें क्या पैटर्न दिखेगा। तो ये डिस्कशन हम कर रहे थे सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड पे। इसका मतलब हमारे दोनों इनपुट्स जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है और उनका एम्पलीट्यूड भी सेम है, ठीक है ना। तो ये हमने डिस्कशन किया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हमारा जो डिस्कशन रहने वाला है वो ये है कि जो पैटर्न हमें दिख रहा है उसको देख के हम फेज डिफरेंस बता पाए, लेकिन मैंने आपको ये भी बता दिया था कि हम पैटर्न कैसे ट्रेस करते हैं, ठीक है ना। तो ये कल डिस्कशन था हमारा। तो मैंने ये दो वेवफॉर्म्स लिए थे आपके सामने, और मैंने अज्यूम किया था कि इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री है, इनका एम्पलीट्यूड सेम है, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, टू साइनोसाइडल इनपुट्स हैं। तो मैंने कल आपको ये बताया था कि कैसे आप वेवफॉर्म को ट्रेस करते हो, कैसे पॉइंट्स लेते हो, कैसे इंटरवल्स को स्प्लिट करते हो। तो हमने ये कंक्लूड किया था कि हमारा अगर दो साइनोसाइडल सिग्नल्स हैं और उनके बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री है, तो आपको स्क्रीन पे एक सर्कल दिखेगा जिसका ओरिएंटेशन क्लॉकवाइज था। ओरिएंटेशन हमने कैसे जज किया था कि हम इंटरवल, स्टार्टिंग इंटरवल से एंड इंटरवल तक कैसे जा रहे थे, ठीक है ना। तो ये कल हमारा डिस्कशन रहा था। और मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर आपको पैटर्न का कंफर्मेशन चाहिए, कि आपको एकदम श्योरिटी हो जाए कि हाँ यही पैटर्न दिखने वाला है, तो आपको मैक्सिमम इंटरवल स्प्लिट करने पड़ेंगे। कल इस एग्जांपल के थ्रू हमने सिर्फ 4 इंटरवल स्प्लिट किए थे, और मैंने आपको कंक्लूजन बताया था कि ये एक सर्कल है, ठीक है। बट इफ यू वांट कंफर्मेशन यू नीड टू स्प्लिट मोर इंटरवल्स, ताकि आपको कंफर्मेशन मिल जाए। चलो ठीक है, ये हमारा कल का डिस्कशन था। तो आज क्या है, आज हम सीधा पॉइंट पे आते हैं और आपको बताएंगे कि एक्चुअली में हमें पढ़ना क्या है, कि अगर हम टू साइनोसाइडल इनपुट्स YX मोड पे CRO पे अप्लाई करें और फेज डिफरेंस को जज करें विद सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड, तो पैटर्न को देख के हम फेज डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका पैटर्न वन है। निकला कैसे है ये, उसी प्रोसीजर से जो मैंने कल आपको बताया था इंटरवल स्प्लिट करके, लेकिन हमें डायरेक्ट पढ़ना है। तो डायरेक्ट हमारी स्टडी ये है
कि अगर हमारा फेज डिफरेंस 0 degrees है, ठीक है, इसका मतलब अगर आपका Vx Vm sin omega t है और Vy भी Vm sin omega t है, तो आपको CRO की स्क्रीन पे एक स्ट्रेट लाइन दिखती है विद पॉजिटिव स्लोप इंक्लाइंड इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट्स, ठीक है, ये आपको रिजल्ट पता होना चाहिए। इसको देख सकते हैं आप, इफ फेज डिफरेंस इज 0 degree यू विल ऑब्जर्व अ स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप इंक्लाइंड इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट्स, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा, हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो सेम एम्पलीट्यूड की वेव्स पे है, मतलब Vm और Vm दोनों बराबर लिया हमने। अगर ये Vxm और Vim दोनों चेंज हो जाए तब भी आपको स्ट्रेट लाइन ही दिखेगी, लेकिन उसका इंक्लिनेशन 45 डिग्रीज नहीं होगा, ठीक है ना, ये 45 डिग्रीज है। तो यू कैन से इफ Vxm इज नॉट इक्वल टू Vym, इट इज अ स्ट्रेट लाइन बट इंक्लिनेशन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज नॉट 45 degrees, इतना आपको कॉमन सेंस से पता होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हम जो डिस्कशन कर रहे हैं उसमें हमने एक्स और वाई इनपुट का एम्पलीट्यूड सेम रखा है, इसीलिए आपको बिल्कुल स्लोप वन वाली लाइन दिखेगी, ठीक है ना, that is inclination of 45 degrees, but if the amplitude changes you will observe a straight line in first and third quadrant only, but uska inclination positive x axis se 45 degrees nahi hoga, theek hai na, to abhi aapko sirf itna pata hona chahiye, theek hai, itna samajh gaye aap। dusra, agar aapka phase difference 0 degrees se 90 degrees hai, अगर आपके दो जो इनपुट्स हैं उनका फेज डिफरेंस 0 से 90 degrees है, तब आपको एक एलिप्स दिखता है विद इट्स मेजर एक्सिस इंक्लाइंड इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट्स। देखो इस पर्टिकुलर फिगर को ध्यान से देखो आप, ठीक है ना, तो आपको एलिप्स दिखता है आपके सीआरओ स्क्रीन पे जिसकी मेजर एक्सिस कौन सी है, ये वाली मेजर एक्सिस इंक्लाइंड इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट्स। तो यहां पर कुछ मैंने डॉटेड लाइंस मार्क करी हुई हैं, उसको हमें समझना जरूरी है। एक वो पॉइंट है जहां पर आपका एलिप्स एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, और एक वो पॉइंट है जहां पर मैंने एक वर्टिकल टेंजेंट ड्रॉ करा है, ठीक है ना, उसका डिस्टेंस हमें ओरिजिन से देखना है। इस डिस्टेंस को हम एक्स वन बोलेंगे और इस डिस्टेंस को हम एक्स टू बोलते हैं, ठीक है, समझ रहे हो, ये वो पॉइंट है जहां पर आपका एलिप्स एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, और ये डिस्टेंस मैंने ओरिजिन से लिया एक्स वन, और ये आपकी एलिप्स की शेप है, वहां पर मैंने एक वर्टिकल टेंजेंट ड्रॉ किया, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से है एक्स टू। कॉरेस्पॉन्डिंगली ये वो पॉइंट है जहां पर आपका एलिप्स वाई एक्सिस को कट कर रहा है, दिस इज वाई वन, और यहां पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट ड्रॉ करा है, ये डिस्टेंस ओरिजिन से है वाई टू, ठीक है। तो आप इतना जानते हो कि आपका 0 से 90 degree अगर फेज डिफरेंस है तो आपको एक एलिप्स दिखेगा, लेकिन एक फॉर्मूला भी है आपके लिए विच इज साइन इनवर्स एक्स वन बाई एक्स टू विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई वन बाय वाई टू, ठीक है, आपको पता है कि वाई वन की वैल्यू वाई टू से कम है और एक्स वन की वैल्यू एक्स टू से कम है, ठीक है ना, तो ये फॉर्मूले में आप पुट करोगे तो आपको एग्जैक्ट फेज डिफरेंस पता चल जाएगा। अगर एक्स वन फॉर एग्जाम्पल आपका एक्स टू से हाफ है तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स हाफ, दैट इज 30 degrees, ठीक है ना, तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो इसमें एक्स वन क्या है, एक्स वन इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस वेयर द एलिप्स इंटरसेक्ट्स, एक्स टू इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द वर्टिकल टेंजेंट ऑफ एलिप्स, वाई वन इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस वेयर द एलिप्स इंटरसेक्ट्स, एंड वाई टू इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द हॉरिजॉन्टल टेंजेंट ऑफ एलिप्स, ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, समझ गए, देख सकते हो उसको। ठीक है, क्लियर, चलो नेक्स्ट। अब इस पैटर्न के बारे में तो आप जानते ही हो क्योंकि ये तो कल हमने बना के प्रूव किया था। अगर आपकी जो इनपुट्स हैं
उनका एम्पलीट्यूड सेम है, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, और उनके बीच में फेज डिफरेंस अगर 90 डिग्रीज है तो आपको क्या दिखता है स्क्रीन पे? आपको एक सर्कल दिखता है, ठीक है? यू विल ऑब्जर्व अ सर्कल इफ द एम्पलीट्यूड्स आर इक्वल. यू विल ऑब्जर्व अ स्ट्रेट एलिप्स इफ द एम्पलीट्यूड्स आर अनइक्वल. ठीक है, इसका मतलब इस केस में वी एक्स एम इज नॉट इक्वल टू वी वाई एम, और इस केस में वी एक्स एम इज इक्वल टू वी वाई एम दैट इज इक्वल टू वी एम जो हम कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, अब इस केस में आपका क्या है, बेसिकली दोनों ही केसेस में आपको आपका एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू है एंड वाई वन इज इक्वल टू वाई टू है. ये x1, x2, y1, y2 क्या है जो हमने एलिप्स वाले पैटर्न में देखे थे, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. तो ये दोनों बराबर हैं, देयरफॉर phi इज इक्वल टू साइन इनवर्स x1 बाय x2 दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स y1 बाय y2 दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 दैट इज 90 डिग्रीज. यहां से भी प्रूव हो गया, देखो समझ गए. तो इतना आपको पता होना चाहिए, ये हमने पैटर्न कल बना के प्रूफ भी किया था. तो इसमें अगर थोड़ा सा हम एडिशन करें अपनी डिस्कशन का, तो ओरिएंटेशन क्या है? क्लॉकवाइज. इसमें ओरिएंटेशन क्या है? क्लॉकवाइज ही मिलेगा आपको. अभी इसका कंक्लूजन लिख दूंगा मैं, ठीक है? यहां तक समझ गए? देख लो ध्यान से, मतलब आपको पैटर्न देखकर फेज डिफरेंस भी पता होना चाहिए क्या है, और फेज डिफरेंस आपको पता है तो आपको पैटर्न बनाने का प्रोसीजर भी पता होना चाहिए. पैटर्न बनाने का प्रोसीजर मैंने कल आपको बताया था, ठीक है? लेकिन जनरली क्वेश्चंस इससे इतना टारगेट नहीं होते हैं, सीआरई वगैरह से, तो आपसे डायरेक्ट वो इसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पैटर्न देख के फेज डिफरेंस देखना आता हो. लेकिन मैंने आपको उसका ऑपोजिट वे भी बता दिया है, उस पर भी कुछ अच्छा क्वेश्चन का भी फ्रेम होगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है? समझ गए. अब ये देखो, अगर आपका फेज डिफरेंस 90 डिग्री से 180 डिग्रीज है, दोनों इनपुट्स x और y इनपुट जिनके बीच में फेज डिफरेंस अगर 90 से 180 डिग्रीज का है, तब आपको एक एलिप्स दिखता है स्क्रीन पे विद इट्स मेजर एक्सिस इंक्लाइंड इन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स. ठीक है ना, मेजर एक्सिस कौन सी है? ये वाली, ठीक है ना? ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया आपका, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है. तो एलिप्स विद इट्स मेजर एक्सिस इंक्लाइंड इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स. ठीक है, इसमें भी कुछ डिस्टेंसेस मार्क करेंगे हम. एक ये पॉइंट देखो, मैंने डॉटेड लाइन मार्क करी है, इस डिस्टेंस को मैं लूंगा एक्स वन. वर्टिकल टेंजेंट ड्रॉ किया देखो इधर, तो ये डिस्टेंस आया मेरा एक्स टू. सिमिलरली वाई एक्सिस पे ओरिजिन से डिस्टेंस लेंगे, ये ग्रीन लाइन देखो नीचे बनी हुई है, ये पॉइंट लेंगे जहां पर आपका एलिप्स वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये डिस्टेंस है वाई वन. फिर एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ये वाला, और ये डिस्टेंस लेंगे, ये डिस्टेंस है हमारा वाई टू. ठीक है, एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू समझ गए. एक्स वन इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट वेयर एलिप्स कट्स द एक्स एक्सिस, और x2 वर्टिकल टेंजेंट से डिस्टेंस है, y1 कटिंग पॉइंट से y एक्सिस पे, और y2 हॉरिजॉन्टल टेंजेंट से ओरिजिन का डिस्टेंस. समझ गए? तो आप फेस डिफरेंस निकालोगे इस फॉर्मूले के थ्रू, 180 डिग्रीज माइनस साइन इनवर्स x1 बाय x2 इज इक्वल टू 180 माइनस साइन इनवर्स y1 बाय y2. इसमें बराबर क्यों है? क्योंकि आपने एम्पलीट्यूड्स दोनों ही वेव्स का सेम लिया हुआ है, इसलिए यह फॉर्मूला वैलिड है. वेयर x1 इज द डिस्टेंस from the origin to the point on x-axis where the ellipse intersects, x2 is the distance from the origin to the vertical tangent of ellipse, y1 is the distance from the origin to the point on y-axis where the ellipse intersects, y2 is the distance from the origin to the horizontal tangent of ellipse. तो इस तरीके के सिंपल क्वेश्चंस भी आप गेट में एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसीलिए हम ये टॉपिक चला रहे हैं, ये वाली जो सीरीज है मिसलेनियस टॉपिक्स की, इसलिए हम इसको रन कर रहे हैं, क्योंकि कई बार प्रिपरेशन की उसमें ना
अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स पढ़ने के, उसमें लोग कई बार इन टॉपिक्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। तो आप देखो कितने इजी क्वेश्चंस, अगर ऐसा क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स का आपका गेट में आ जाए और आप वो ना कर पाओ, तो आपको कितना अजीब लगेगा कि यार ये क्वेश्चन नहीं हो पाया। तो इसलिए ये टॉपिक्स भी पढ़ने बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि जनरली आप बाकी सारी चीज़ें पढ़ लेते हो लेकिन इन चीज़ों को आप भूल जाते हो, ठीक है ना? तो ओरिएंटेशन क्या होगा? ओरिएंटेशन इज क्लॉकवाइज। अभी हम इसका कंक्लूजन लिख रहे हैं, तो आपको एंगल ओरिएंटेशन का मतलब पता चल जाएगा, ठीक है? लास्ट पैटर्न, अगर आपका फेस डिफरेंस 180 डिग्रीज है तो आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी विद नेगेटिव स्लोप इंक्लाइंड इन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स, ठीक है ना? तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका? 135 डिग्रीज, नेगेटिव स्लोप, टैन 135 इज नेगेटिव, ठीक है? तो स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप इंक्लाइंड इन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स, अगर आपके अप्लाइड इनपुट्स का फेस डिफरेंस 180 डिग्रीज है तो, ठीक है? तो अगेन जैसे हमने 0 डिग्रीज में लिखा था वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। अगर हमारा वी एक्स एम वी वाई एम के बराबर नहीं है तब भी आपको स्ट्रेट लाइन ही दिखेगी, बट इट्स इंक्लिनेशन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज नॉट 135 डिग्रीज। बस इतना आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, ठीक है? कि ये जो पैटर्न्स हमने यहां पर स्क्रीन पे बना रखे हैं जो आप पढ़ रहे हो वो सेम एम्पलीट्यूड की वेव्स के लिए हैं, ठीक है ना? जो जो साइनोसाइडल इनपुट्स आपने सीआरओ की प्लेट्स पे अप्लाई करे हैं उनका एम्पलीट्यूड सेम है, मतलब वी एक्स एम वी वाई एम के बराबर है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा? आपको सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्लाइंड एक स्ट्रेट लाइन ही दिखेगी लेकिन उसका इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस से 135 डिग्रीज नहीं होगा, ठीक है ना? मतलब जो स्लोप होगा वो -1 नहीं होगा, ठीक है? तो इतनी सी बात है, समझ में आया यहां तक आपको, ठीक है? बाकी पैटर्न सेम रहता है, पैटर्न का शेप सेम रहता है, बस उसका एम्पलीट्यूड की वजह से उसमें कंप्रेशन या एलोंगेशन आ सकता है। वैसे ही आपका उसमें भी होता है, सर्कल के केस में भी, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था। तो आपको स्ट्रेट एलिप्स दिखता है इफ एम्पलीट्यूड्स आर अनइक्वल, ठीक है? इसको भी आप देख सकते हैं। तो आपको या तो ऐसा वाला एलिप्स दिख जाएगा या फिर आपको ऐसा वाला एलिप्स दिख सकता है, ठीक है ना? इन क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन अगर ये चीज है तो, ठीक है? और अगर ये चीज है तो आपको सर्कल दिखेगा, ठीक है? समझ गए? क्लियर? चलो अब ये कंक्लूजन देख लेते हैं फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सर्कुलेशन ऑफ द पैटर्न इज क्लॉकवाइज फॉर 0 डिग्री टू 180 डिग्री एंगल्स, ठीक है ना? अभी तक जो मैंने आपको पैटर्न्स दिखाए हैं यहां पर स्क्रीन पे, मैंने कौन से केसेस लिए आपके सामने? 0 डिग्री, 0 से 90, 90, 90 से 180 और 180। आपको सिर्फ यही 5 पैटर्न्स पता होने चाहिए, ठीक है? क्योंकि बाकी के बचे हुए पैटर्न्स में जो डिफरेंस आता है वो सिर्फ सर्कुलेशन का आता है, मतलब बाकी सारे पैटर्न्स की शेप कंपेरेबल रहती है लेकिन ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है। उसको मैं अभी समझाता हूँ आपको तो क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमने ये वाली चीज़ें तो देख ली यार, हमें 0 डिग्री के लिए पता है 0 से 90 पता है, 90 पता है, 90 से 180 पता है, 180 पता है, यही पता होने चाहिए आपको। और अभी तक मैंने जितने भी पैटर्न्स आपको दिखाए उनका सर्कुलेशन क्लॉकवाइज था। इसका मतलब जो हमने कल स्टडी करी थी, मतलब T0 से T4, मतलब जैसे ही आप इंटरवल ट्रेवर्स करोगे तो आप जैसे ही इंटरवल की स्टार्टिंग करोगे और एंड इंटरवल तक जाओगे तो सर्कुलेशन क्लॉकवाइज आ जाएगा आपका, ठीक है? ये मतलब है सर्कुलेशन का। तो ये हमने पढ़ ली है। दूसरी लाइन जो यहाँ लिखी है वो ये है कि सर्कुलेशन ऑफ द पैटर्न इज काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फॉर 180 डिग्री टू 360 डिग्री एंगल्स, ठीक है? समझ गए?
shape of the counterclockwise patterns is calculated from this result. इस पॉइंट को मैं आपको समझाना चाहूंगा, अगर आप अटेंटिवली सुन रहे हैं तो आपको समझ भी आ गया होगा कि क्या मतलब है इसका. मैं कह रहा हूं कि सिर्फ आपको 5 पैटर्न्स रिमेंबर करने हैं, इसके अलावा नहीं करना है, ठीक है ना. और बाकी के जो बचे हुए पैटर्न्स हैं जो 180 डिग्री से 360 डिग्री वाले हैं, उनका सर्कुलेशन काउंटर क्लॉकवाइज होता है, लेकिन उनकी जो शेप है वो आप यहां से निकाल सकते हो, ठीक है ना. चलो देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपका जो फेज डिफरेंस है वो सपोज 270 डिग्री से 360 डिग्री से, ठीक है ना. तो क्या जानते हैं हम, वी नो सर्कुलेशन ऑफ पैटर्न्स फ्रॉम 180 डिग्रीज टू 360 डिग्रीज इस काउंटर क्लॉकवाइज, इतना हम जानते हैं. इसका मतलब अगर इस रेंज की हम शेप निकालना चाहें तो हमें सिर्फ शेप निकालनी है, हमें इसका ओरिएंटेशन पता है, ठीक है. और शेप कैसे निकालोगे, शेप इज सिमिलर टू फाइ सी सी वी इज इक्वल टू 360 डिग्रीज माइनस फाइ काउंटर क्लॉकवाइज. इसका मतलब थ्री सिक्सटी डिग्रीज माइनस 270 डिग्रीज करोगे, दैट इज 90 डिग्रीज. 360 डिग्रीज माइनस 360 डिग्रीज करोगे, दैट इज 0 डिग्री. इसका मतलब क्लॉकवाइज में जो शेप आपको 0 से 90 में मिलती है वही आपको 270 से 360 में मिलेगी, लेकिन उसका सर्कुलेशन काउंटर क्लॉकवाइज होगा, ठीक है ना. तो इस रिजल्ट से आप निकाल सकते हो, ठीक है. तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो शेप है वो 0 से 90 में कैसा है, ऐसा. हमें एक एलिप्स मिलता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है. और हमारा शेप 270 से 360 में कैसा है, बिल्कुल ऐसा ही है यहां से निकाला हमने अभी, लेकिन उसका ओरिएंटेशन कैसा रहेगा, काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है. तो ये शेप हो गई आपकी 270 डिग्री से 360 डिग्रीज की, समझ गए. बस तो ये शेप इज सिमिलर टू, यू विल कैलकुलेट फ्रॉम दिस फॉर्मूला, ठीक है ना. तो उसी तरीके से अगर आपसे वो 180 से 270 का पूछ रहा है तो 360 माइनस 180 कितना हो जाएगा, 180. 360 माइनस 270 कितना हो जाएगा, 90. तो जो शेप आपको क्लॉकवाइज में 90 से 180 में मिलती है वही आपको 180 से 270 में मिलती है, इस तरीके से. तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया 270 डिग्री से 360 डिग्री. तो शेप कैसे निकालोगे, आपको सबसे पहले बता होना चाहिए कि सर्कुलेशन काउंटर क्लॉकवाइज होगा और शेप सिमिलर होगी उसके क्लॉकवाइज पैटर्न का जो आप 360 माइनस 5 से निकालोगे. मतलब 0 से 90 की जो क्लॉकवाइज शेप है वो 270 से 360 डिग्री की काउंटर क्लॉकवाइज शेप है, द शेप इज सेम, समझ गए. तो ये रिजल्ट आप याद रखें. समझ गए कि नहीं, सिंपल चीज़ें हैं ये, बहुत इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार, 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी गेट में पूछा गया है इन सब चीज़ों पे. तो आप ये चीज़ें पढ़ के जाएंगे तो आपको एडवांटेज है, सिमिलर सिंपल चीज़ें हैं ये, क्लियर. एनी डाउट्स, चलो क्वेश्चन करते हैं. गेट 2002 का एक क्वेश्चन लेते हैं. टू इन फेज 50 हर्ट्ज साइनोसाइडल वेवफॉर्म ऑफ यूनिट एम्पलीट्यूड आर फेड इनटू चैनल 1 एंड चैनल 2 रिस्पेक्टिवली ऑफ एन ऑसिलोस्कोप. अज्यूमिंग दैट द वोल्टेज स्केल टाइम स्केल एंड अदर सेटिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम फॉर बोथ द चैनल्स, व्हाट वुड बी ऑब्जर्व्ड इफ द ऑसिलोस्कोप इज ऑपरेटेड इन एक्स वाई और वाई एक्स मोड, ठीक है. टू इन फेज, इसका मतलब फाई कितना है, 0 डिग्रीज,
50 हर्ट्ज साइनोसाइडल वेवफॉर्म्स ऑफ यूनिट एम्पलीट्यूड, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, वी एक्स एम इज इक्वल टू वी वाई एम इज इक्वल टू वन, आर फेड इन टू चैनल वन एंड चैनल टू, दोनों चैनल्स की बात हो रही है, मतलब एक्स वाई मोड हो गया आपका ऑफ एन ऑसिलोस्कोप सी आर ओ, अज्यूमिंग दैट द वोल्टेज स्केल टाइम स्केल एंड अदर सेटिंग्स आर एक्जैक्टली द सेम फॉर बोथ द चैनल्स, दैट डजंट मैटर, वॉट वुड बी ऑब्जर्व्ड इफ द ऑसिलोस्कोप इज ऑपरेटेड इन एक्स वाई मोड। तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज से अपना केस आइडेंटिफाई करना है, फेज डिफरेंस जीरो है, सेम फ्रीक्वेंसी पे आप काम कर रहे हो और एम्पलीट्यूड भी सेम है, ये कौन सा केस है आपका, पहला केस। तो क्या मिलेगा आपको, आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी जो 45 डिग्रीज पे इंक्लाइंड है, क्यों सेम 45 डिग्रीज मिलेगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड सेम है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम होता और एम्पलीट्यूड में चेंज आ जाता तब भी आपको स्ट्रेट लाइन ही दिखती, ठीक है, लेकिन उसका एंगल चेंज हो जाता, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सर्कल आपको दिखता है 90 डिग्रीज पे, एलिप्स आपको दिखता है 0 से 90 और 90 से 180 पे, ठीक है, पैराबोला आपको नहीं दिखेगा, पैराबोला आपको तब दिखेगा कहीं पर अगर आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए, अभी हम सेम फ्रीक्वेंसी में बात कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेट 2009 का, द टू इनपुट्स ऑफ अ सीआरओ आर फेड विद टू स्टेशनरी पीरियोडिक सिग्नल्स, इन द एक्स वाई मोड द स्क्रीन शोज अ फिगर विच चेंजेस फ्रॉम एलिप्स टू सर्कल एंड बैक टू एलिप्स विद इट्स मेजर एक्सिस चेंजिंग ओरिएंटेशन स्लोली एंड रिपीटेडली, द फॉलोइंग इन्फरेंस कैन बी मेड फ्रॉम दिस, ऑप्शन ए द सिग्नल्स आर नॉट साइनोसॉइडल, ऑप्शन बी द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द सिग्नल्स आर वेरी क्लोज बट नॉट इक्वल, ऑप्शन सी द सिग्नल्स आर साइनोसॉइडल विद देयर फ्रीक्वेंसीज वेरी क्लोज बट नॉट इक्वल, डी देयर इज अ कांस्टेंट बट स्मॉल फेज डिफरेंस बिटवीन द सिग्नल्स। जो लोग लाइव देख रहे हैं आंसर बताइए, एनी आंसर्स, जो लोग लाइव देख रहे हैं क्या समझ पा रहे हो आप इस चीज से, द टू इनपुट्स ऑफ अ सीआरओ आर फेड विथ टू स्टेशनरी पीरियोडिक सिग्नल्स, टू इनपुट्स की यहां बात हो गई है, मतलब वाई एक्स मोड पे बात कर रहे हो आप, दोनों चैनल्स ऑक्यूपाइड हैं, लिखा भी हुआ है उसने, इन द एक्स वाई मोड द स्क्रीन शोज अ फिगर विच चेंजेस फ्रॉम एलिप्स टू सर्कल एंड बैक टू एलिप्स, ठीक है ना, मतलब कुछ इस तरीके का ओरिएंटेशन हो रहा होगा आपका, ऐसा हो रहा है और फिर धीरे 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 वो ऐसा भी दिखा रहा है, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये काम कब होता है, तो मेजर एक्सिस में तो चेंज आ रहा है, तो पहले मेजर एक्सिस ऐसी है फिर थोड़ी सी वो ऐसे हो जाएगी, ठीक है, तो किस चीज़ में प्रॉब्लम है, आपको पता है कि आपको एलिप्स और सर्कल कब दिखते हैं, जब आप साइनोसाइडल सिग्नल्स अप्लाई करते हो वाई एक्स मोड पे और उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती हैं, ठीक है ना, इसका मतलब सिग्नल्स आर, ये तो गलत है, द सिग्नल्स आर साइनोसाइडल बट देयर फ्रीक्वेंसी इज वेरी क्लोज बट नॉट इक्वल, ऑप्शन सी भी गलत है, ठीक है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम पे ही एलिप्स सर्कल दिखेगा आपको, द एम्पलीट्यूड्स ऑफ सिग्नल्स आर वेरी क्लोज बट नॉट इक्वल, एम्पलीट्यूड में आपका एलिप्स से ही एलिप्स भी चेंज हो सकता है, ठीक है ना, तो ये भी गलत है, ये सब कब होगा, जब आपके फेज डिफरेंस में हल्का सा चेंज है, क्योंकि सर्कल आपको दिखता है फेज डिफरेंस 90 डिग्रीज पे, और अगर हम एक रेफरेंस केस मान के चलेंगे, चलो हमारा ये वाला केस है, तो फाई 0 डिग्री से 90 डिग्रीज और फाई 90 डिग्रीज से 180 डिग्रीज, ओरिएंटेशन का यहाँ कुछ मेंशन नहीं है, अज्यूमिंग क्लॉकवाइज ओरिएंटेशंस, ठीक है ना, तो हम क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन अगर अज्यूम कर लें तो फेज डिफरेंस में ही जब चेंज होगा, मतलब 90 हो सकता है कि आपका एलिप्स दिख रहा हो तो 87 डिग्रीज का हो एलिप्स और फिर 90, तो ऐसे चेंज हो रहा है, तो देर इज अ कॉन्स्टेंट बट स्मॉल फेज डिफरेंस बिटवीन द सिग्नल्स, 88 डिग्रीज हो सकता है, ठीक है ना, तो इस तरीके से ये केस है, या 92 डिग्रीज वाला केस भी हो सकता है, तो आपका सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट वाला एलिप्स मिल जाएगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि फेज डिफरेंस पे ही ये चेंज आपको दिख सकता है, समझ गया कि नहीं यार,
आगे जब हम फ्रीक्वेंसी रेशियो वाला केस पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि फ्रीक्वेंसी रेशियो से क्या चेंज आता है जब फ्रीक्वेंसीज हम डिफरेंट कर देते हैं अपने इनपुट्स की। चलो ये क्वेश्चन देखो यार, गेट 2003 का क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। ग्रुप टू रिप्रेजेंट्स द फिगर्स ऑब्टेन्ड ऑन अ सीआरओ स्क्रीन व्हेन द वोल्टेज सिग्नल्स Vx इज इक्वल टू Vxm sin ओमेगा t एंड Vy इज इक्वल टू Vym sin ओमेगा t प्लस phi आर गिवन टू इट्स x एंड y प्लेट्स रिस्पेक्टिवली एंड phi इज चेंज्ड। चूज द करेक्ट वैल्यू ऑफ phi फ्रॉम ग्रुप 1 टू मैच विद द कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर ऑफ ग्रुप 2। PQRS दिया हुआ है आपको और 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको फिगर्स दी हुई हैं। जो लोग लाइव देख रहे हैं और अभी आपने पढ़ा है मेरे साथ तो आप मैचिंग करिए जरा, P के साथ क्या है, Q के साथ क्या है, R के साथ क्या है और S के साथ क्या है। कैन यू कंपेयर द ग्राफ्स? देख के बताओ यार, जो लोग लाइव देख रहे हैं फटाफट अपना PQRS में देख लो। इस तरीके से लिख दो ना आंसर, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 5, 1, 4, 5, 6 इस तरीके से आंसर लिख दो आप में चैट में। P phi is equal to 0, Q phi is equal to pi by 2, R phi is equal to 180 to 270, S phi is 270। आंसर का वेट कर रहा हूं यार मैं आपका, मैच करो जरा, मैच द फॉलोइंग। सिंपल क्वेश्चन है, 2003 में 2 मार्क्स का पूछा गया क्वेश्चन, देखो इतना हल्का। देखो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशंस का भी ध्यान रखना यार। एक बार में बताओ आंसर, एक उसमें एक एक ऑप्शन थोड़े ना मार्क करके आओगे। हाँ 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से बताओ आंसर। नहीं समझ पा रहे हो क्या? ये देखो अभी हम इसको छोड़ देते हैं, अभी हम सिर्फ पैटर्न्स देखते हैं क्योंकि मैं आपको समझा भी देता हूँ साथ में। पंकज यादव बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हो, 6, 1, 6, 3, 2, 5, 4 ये तो आपने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। एस का 3 सुन नहीं रहे हो अटेंटिवली। फिर ये देखो ये ऑप्शन 1 देखो, ये आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है। अब यहां पर देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एम्पलीट्यूड्स का मेंशन नहीं किया है कि ये सेम है कि नहीं। तो मतलब वी एक्स एम इज इक्वल टू वी वाई एम और वी एक्स एम इज नॉट इक्वल टू वी वाई एम, मतलब दोनों केसेस एप्लीकेबल हैं क्योंकि ऐसा उन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया है कि एम्पलीट्यूड सेम है, ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम मेंशन करिए। तो हमारा ये वही केस हो गया जो हम पढ़ रहे हैं इतने कल से ओमेगा, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी सेम है आपकी। चलो देख लेते हैं, बाकी वही केस है जो हम पढ़ रहे थे। तो ये आपको स्ट्रेट लाइन कब दिखती है, स्ट्रेट लाइन ये वाली, ये तो दिखेगी आपको phi इज इक्वल टू 0 degrees पे, समझ गए। ऑप्शन 2 देख लेता हूँ मैं, ये कब दिखेगी आपको, ये phi इज इक्वल टू 180 degrees पे दिखेगी आपको, या इसको pi लिख दो। ये देखो ये एक एलिप्स है जिसका सर्कुलेशन क्लॉकवाइज बनाया हुआ है, होप कि दिख रहा था ये स्क्रीन पे। तो ये कब दिखेगा आपको, ये आपको दिखेगा 0 से 90 के बीच में, मतलब 0 से π/2 के बीच में। ऑप्शन 4 देखो, ये एक स्ट्रेट एलिप्स है जिसका ओरिएंटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, ध्यान से देखो इसको ये, तो ये कब दिखेगा आपको, एंटी क्लॉकवाइज मतलब 180 से 360 डिग्री के बीच का एंगल। और एक स्ट्रेट एलिप्स है, ठीक है ना, ये देखो यहाँ ये वर्टिकल टेंजेंट का डिस्टेंस और कटिंग का डिस्टेंस सेम है, ठीक है, तो क्या एंगल है ये तो 270 डिग्रीज है भाई, 3π/2, ठीक है। ऑप्शन 5 देखो, ये एक स्ट्रेट एलिप्स है, यहाँ पर भी देखो वर्टिकल टेंजेंट और कटिंग का डिस्टेंस सेम है, ठीक है, मतलब 1 आएगा और ओरिएंटेशन क्लॉकवाइज है, तो ये आपका phi इज इक्वल टू π/2 है, दैट इज 90 degrees। इसको देखो ऑप्शन 6 को, ओरिएंटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज मतलब 180 से 360 डिग्री के बीच का एंगल है ये, और ये पैटर्न किसके कंपेरेबल है यार,
मैंने आपको बोला सिर्फ पांच पैटर्न रिमेंबर करने हैं आपको। क्लॉकवाइज में ये पैटर्न किसके कंपेरेबल है? 90 से 180 डिग्री वाला। तो एंटी क्लॉकवाइज में ये पैटर्न किसके कंपेरेबल हो जाएगा यार? 360 से माइनस कर दो, 360 माइनस 180 इज 180 और 360 माइनस 90 इज 270। तो मतलब 180 डिग्री से 270 डिग्रीज वाला पैटर्न है ये। यार समझ पा रहे हो कि नहीं, ये जो सिक्स्थ है पैटर्न, ये ऐसा बनाया हुआ है इन्होंने ऐसे, इसका ओरिएंटेशन एंटी क्लॉकवाइज लिखा हुआ है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि क्लॉकवाइज में ये पैटर्न कौन से पैटर्न से कंपेरेबल है? 90 से 180 वाला। और आपको पता है कि काउंटर क्लॉकवाइज सर्कुलेशन है, तो काउंटर क्लॉकवाइज में अभी बताया था 360 से माइनस करके कंपेयर कर लेते हैं। तो 360 माइनस 180 इज 180 और 360 माइनस 90 इज 270। तो ये 180 से 270 वाला पैटर्न है, मतलब पाए से 3π/2 वाला पैटर्न है ये, क्योंकि सर्कुलेशन काउंटर क्लॉकवाइज है। तो ऑप्शन देखो आप जज करवा रहे हो कि नहीं। पी का कौन सा हो गया? पी का हो गया आपका 1, ठीक है। क्यू का मतलब π/2, ये आपको मिल रहा है 5। आर का हो गया आपका 6 और 3π/2 कहां मिला आपको? 4। क्या हो गया आंसर? ये हो गया आपका 1564। तो P इज 1, Q, R, S, 1564। समझे कि नहीं? 1365 नहीं है, 1564। Is it clear or not? समझ गए? तो ऐसे पैटर्न्स देखते हैं आप। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। गेट 2006। द टाइम per division and voltage per division axis of an oscilloscope have been erased. A student connects a 1 kHz 5 volt peak to peak square wave calibration pulse to channel 1 of the scope and observes the screen to be as shown in the upper trace of the figure. An unknown signal is connected to channel 2 lower trace of the scope. If the time per division and voltage per division on both channels are the same, the amplitude peak to peak and period of the unknown signal are respectively what? ये फिगर दिख रहा होगा आपको एक स्क्रीन पे। ऑप्शन है 5 volt 1 millisecond, ऑप्शन बी 5 volt 2 milliseconds, ऑप्शन सी 7.5 volt 2 milliseconds एंड ऑप्शन डी 10 volt 1 milliseconds। सॉल्व करो यार, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मैं लाइव चैट में आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। जो लोग लाइव देख रहे हैं प्लीज आंसर बताइए क्या हो सकता है। सिंपल लैंग्वेज है बस, इतना बड़ा इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, इतना कुछ नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। इसका मतलब क्या है कि आपको इस सिग्नल की हेल्प से टाइम पर डिविजन और वोल्टेज पर डिविजन जज करना है, क्योंकि ये इरेज हो चुका है। और वो ये कह रहा है कि If the time per division and voltage per division on both channels are the same, तो आपको दूसरे वाले जो waveform है उसका देखना है, ठीक है ना? मतलब आपको ये होगी आपकी time per division और यहां आपको मिलेगी voltage per division और ये हो गया आपका time per division। तो ये आपको judge करना है। A student connects a 1 kilohertz 5 volt peak to peak square wave to channel 1. Dual channel आपका oscilloscope है ये। और with respect to time उन पे study करी जा रही है। इसका मतलब क्या हो गया यार? Anybody? मतलब इसको अलग से देखो,
और इसको अलग से देखो, ऊपर जो वेवफॉर्म दिया हुआ है उसका पीक टू पीक 5 वोल्ट है और उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 किलोहर्ट्ज़ है। इसका मतलब उसका टाइम पीरियड क्या है, 1/फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू 1/1 किलोहर्ट्ज़ विच इज 1 मिलीसेकंड्स। यार समझ रहे हो कि नहीं? और 5 वोल्ट पीक टू पीक है, इसका मतलब पीक टू पीक क्या है, ये डिस्टेंस आपका 5 है। तो पहले स्क्वायर वेव को एनालाइज कर लो। एनालाइजिंग स्क्वायर वेव, तो जो आपका 5 वोल्ट पीक टू पीक है उसके बीच में वाई एक्सिस की, ठीक है ना, वोल्टेज पर डिवीजन कितनी डिवीजन्स आ रही हैं, 1 और 2, दैट इज 2 डिवीजन्स। देयरफॉर 1 डिवीजन इज इक्वल टू 2.5 वोल्ट्स। तो आप कह सकते हो वोल्टेज पर डिवीजन एक्सिस जो आ गई यहां से वो आ गई आपकी 2.5 वोल्ट पर डिवीजन। समझ गए कि नहीं? स्क्वायर वेव की हेल्प से आपको नीचे जो ट्रायंगुलर वेवफॉर्म दिया हुआ है उसका टाइम पीरियड और पीक टू पीक देखना है, बस। समझ गए? तो ये हमें पता है। और इसको देखो, इसका टाइम पीरियड कितना है स्क्वायर वेव का, सपोज यहां से शुरू हुआ ये, तो यहां तक ले लेते हैं, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, ये इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। तो आप कह सकते हो टाइम पीरियड ऑफ स्क्वायर वेव कितना है, वो 1 मिली सेकेंड्स, और वो कितने डिविजन्स में ऑक्यूपाई हो रहा है, 4 डिविजन्स। देयरफॉर 1 डिविजन कितना आ गया आपका, 1/4 मिली सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 0.25 मिली सेकेंड्स। यार समझ रहे हो कि नहीं? सिंपल क्वेश्चन है, देखो कितना। इसका मतलब ये जो सेटिंग है इतनी, ये आपकी 0.25 मिली सेकेंड है, और ये जो वर्टिकल सेटिंग है इतनी, ये आपकी कितनी है, 2.5 वोल्ट। और ये दोनों वेवफॉर्म्स के लिए सेम है क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पर, इफ द टाइम पर डिवीजन एंड वोल्टेज पर डिवीजन ऑन बोथ चैनल्स आर द सेम, ठीक है, बस ये दोनों तो सेम है। स्क्वायर वेव का टाइम पीरियड कितना है, 1 मिली सेकेंड, और इससे वो 4 डिविजन्स में ऑक्यूपाई हो रहा था, मतलब 0.25 मिली सेकेंड एक डिविजन का कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? तो स्क्वायर वेव की हेल्प से हम नीचे वाले का देख लेंगे। अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, तो अब आप क्या कह सकते हो, ये जो नीचे वाला वेव फॉर्म है इसका टाइम पीरियड कितना है, देखो यहाँ के बाद ये फिर से शुरू हो गया रिपीट करना अपने आप को, तो ये इतना टाइम पीरियड है इसका, कितने डिविजन्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टाइम पीरियड ऑफ ट्राइंगुलर वेव इज इक्वल टू 8 डिविजन्स, और इसका पीक टू पीक कितना है, ये देखो मैंने बनाया है 1, 2, 3, ये इसका वी पीक टू पीक है। एंड वी पीक टू पीक ऑफ ट्राइंगुलर वेव इज 3 डिविजन्स, ठीक है। और एक डिविजन का कॉन्ट्रीब्यूशन एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कितना है वो आपको समझ में आ गया, क्योंकि वो तो सेम है दोनों के लिए, वो यहां से निकाल चुके हैं हम। समझ में आया कि नहीं आया आपको? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लग रहा था लेकिन बहुत सिंपल है, ठीक है। देयरफॉर टाइम पीरियड ऑफ ट्रायंगुलर वेव इज
एट डिविजन्स, और एक डिविजन का क्या है कॉन्ट्रीब्यूशन 0.25, ये पीछे निकाल चुके हैं, ये दैट इज 8 इंटू 0.25 मिली सेकेंड्स, कितना आ गया ये 2 मिली सेकेंड्स। और बी पीक टू पीक ऑफ ट्राइंगुलर वेव जो नीचे बनी हुई है वो कितने डिविजन्स है 3 डिविजन्स, और एक डिविजन का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है वाई एक्सिस पे 2.5, दैट इज 3 इंटू 2.5 दैट इज 7.5 वोल्ट्स। समझ गया कितना इजी क्वेश्चन है, देखो तो ऑप्शन सी सही हो गया आपका। यार आज का सेशन समझ में आया कि नहीं आया एक बार लाइव चैट में बोल दो, बहुत सिंपल चीजें हैं जो डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये जो आप निकालते हो आपकी ये वोल्ट पर डिवीजन और टाइम पर डिवीजन निकालते हो, ये आपकी डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटीज होती हैं सीआरओ की, ठीक है ना, कि एक डिवीजन का कंट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, उसको करके लेके आना और उसको कल की क्लास में फिर डिस्कस भी करेंगे। इस क्वेश्चन को लिख लो, गेट 2014 का क्वेश्चन है, गेट का क्वेश्चन है, आंसर तो आप देख ही लोगे कहीं से भी क्या है, लेकिन आपको खुद बनाना आना चाहिए कि कैसे किया आपने। टू सिग्नल्स S1 एंड S2 शोन इन द फिगर आर अप्लाइड टू Y एंड X डिफ्लेक्शन प्लेट्स ऑफ एन ऑसिलोस्कोप। ये देखो आपका पहला सिग्नल कैसा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक ट्राइंगुलर वेवफॉर्म है सिमेट्रिकल, देख सकते हो उसको, और S2 आपका एक रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म है इस तरीके से सिमेट्रिकल, देख पा रहे हो। तो अब ये एक स्टडी क्या हो गई, ये स्टडी वो हो गई जो मैंने आपको कल बताई थी कि कोई भी पैटर्न आपको दिया हो तो आप, कोई भी वेवफॉर्म आपको दिया हो तो आप पैटर्न कैसे ट्रेस करते हो। आज आपने क्या पढ़ा है कि पैटर्न देख के आप फेज डिफरेंस बताओगे, ठीक है ना, ये पढ़ा हमने, पढ़ना आपको वही है मेनली, लेकिन कुछ अच्छा क्वेश्चन फ्रेम हो जाए जैसे गेट 2014 में हुआ था तब भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने आपको कल ये स्टडी बताई है साइनोसाइडल का रेफरेंस लेकर। अब ये जो पैटर्न बनेंगे इसको हम लिसजेस पैटर्न नहीं बोलते, लिसजेस पैटर्न सिर्फ साइनोसाइडल इनपुट्स के लिए बोला जाता है, लेकिन हम पैटर्न बना सकते हैं उसी टेक्निक से, मतलब इंटरवल्स को इक्वली स्प्लिट करेंगे, एक टाइम पीरियड के लिए कर दो बहुत है, और फिर देखेंगे कि कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज कैसे आती हैं और उसको फिर प्लॉट कर लेंगे, तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि क्या बनेगा ए बी सी या डी। और कुछ लोग अगर आज फर्स्ट टाइम आए हैं क्लास में तो मेरा कल का सेशन देखें, मैंने कल ये बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी वेव फॉर्म है तो उससे हम पैटर्न कैसे स्केच करते हैं, ठीक है, कैसे इंटरवल्स को डिवाइड करते हैं, बहुत सिंपल प्रोसीजर है वो, और फिर पॉइंट्स को एक्स और वाई एक्सिस पे प्लॉट कर देते हैं और उनको ज्वाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द ओरिएंटेशन जो ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम पैटर्न को जज करते हैं। और आज हमारा डिस्कशन था कि पैटर्न को देख के सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड की वेव फॉर्म्स का फेज डिफरेंस कैसे देखते हैं, तो वो 5 पैटर्न आपको पता होना चाहिए, क्लॉकवाइज वाले एंटी क्लॉकवाइज वाले आप उसी से बना लोगे, 180 से 360 डिग्री वाले आपके एंटी क्लॉकवाइज हैं, मेक श्योर दे आर साइनोसाइडल वेव फॉर्म्स एंड सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी वेव फॉर्म्स। ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा अगर कल की क्लास में आप आए थे। आज इस सेशन को हम यहीं वाइंड अप करेंगे, ये क्वेश्चन आप करके आएंगे और कल मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा 11 AM सेम टाइम पे, ठीक है, और CRO का आगे केस 2 पढ़ेंगे, जब फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट हो जाती हैं तब हम कैसे उनका फ्रीक्वेंसी रेशियो निकालते हैं। इस क्वेश्चन को देख लो एक बार, गेट 2014 का क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल का, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप कर पाएंगे अगर कल की क्लास में आए थे तो, ठीक है। और यार मैं चाहूंगा कि आप कल स्पेशल क्लास में आए, RK_educator मेरा यूजर नेम है, वहां जाएं और पुरानी स्पेशल क्लासेस भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री हैं आप लोगों के, सिर्फ अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो मैं 11 या 12 क्लासेस स्पेशल क्लासेस ले चुका हूँ, उसमें हमने इंस्ट्रूमेंट्स के क्वेश्चंस, एरर्स के क्वेश्चंस कवर किए थे काफी सारे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, और कुछ नए क्वेश्चंस भी लिए थे, आप वो देख सकते हैं। और कल 2:30 PM हमारी स्पेशल क्लास है, आप जाएं उसमें और कल आएं और हम मेजरमेंट ऑफ पावर के क्वेश्चंस करेंगे, तो उसमें भी आपके कुछ डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, अगर हैं तो। और कल 11 AM सेम टाइमिंग CRO का डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम, एंड ऑल द बेस्ट टू यू इन एडवांस। और अभी जो हम कोर्सेज रन कर रहे हैं वो फोकस है हमारा गेट 2021, इसलिए वो जो भी कोर्सेज हैं वो थोड़े फास्ट होंगे
और क्वेश्चंस होंगे और क्रैश कोर्सेज की फॉर्म में होंगे। बाकी जो फुल कोर्सेज हैं वो अब रन होंगे आपके गेट 2021 के बाद, ठीक है। और अभी सिलेबस वाइंड अप होने वाला है और क्वेश्चंस करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज, क्रैश कोर्सेज की सीरीज, इस तरीके के कोर्सेज अब रन हो रहे हैं, ठीक है। तो आप उसमें आइए, मैक्सिमम डाउट्स अपने क्लियर करिए। स्पेशल क्लास में आइए तो आप पर्सनल डाउट भी अच्छे से पूछ सकते हैं। तो आई रिकमेंड 2:30 PM टुमारो स्पेशल क्लास एंड यूट्यूब क्लास 11 AM। और आप क्रैश कोर्स में आना चाहते हैं तो सुबह 8 बजे भी आ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, लाइक कर देना सेशन को यार जाते जाते। और कुछ भी आपको टेक्निकल डाउट हो, कुछ भी हो, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं बाद में। और इसका जो आज हमने पढ़ाया अभी तक, उसका PDF मैं आपको अभी थोड़ी देर में क्रिएट्रिक्स के टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप उससे रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर योर टाइम, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।